महिला जिला अस्पताल में स्थापित कोल्ड चेन पॉइंट का सीडीओ संजय कुमार मीना ने निरीक्षण किया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि दवाओं और वैक्सीन को गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए कोल्ड चेन पॉइंट बनाया गया है, जिसका तापमान 2 से 8 डिग्री में मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए जितने भी आवश्यक संसाधन हैं सभी उपलब्ध हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए जैसे ही बिजली जाती है टेम्परेचर का अलार्म बजने लगता है, जिसको देखते हुए तत्काल जनरेटर चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन आम जनमानस को लगाई जाए वह गुणवत्तापूर्ण हो, जिसे बीमारी से सुरक्षित रखने में सफल बने। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, जुड़ा होता है। अगर इसका टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा इनके पास बीप की साउंड आना शुरू हो जाएगा कि आप जनरेटर चल रहा है, जिससे इसलिए जब फील में जाती है तो उसको वैक्सीन को समय में डाल के लगा दे चल तुरंत इतनी देर में बढ़ गया होगा सर। सर ये हमारी लॉक दो देखिए, कल से हम लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कल हम लोगों ने रक्तदान शिविर का सेवा सप्ताह से शुभारंभ किया है और ये हमारा जो है 2 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। कल हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, आज जो है हेल्थ कैंप्स के आयोजन कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज से जो है हमारा राशि पल्स पोलियो अभियान महाअभियान शुरू किया गया है और उसके तहत जो है जनपद में हमारे यहाँ लगभग 6,77,000 बच्चे जो हैं पोलियो की दवा पियेंगे, लगभग 8,000 घरों में पियेंगे और इसके लिए हमारी लगभग 2,000 टीमें बनाई गई हैं और 5,000 कार्यकर्ता हमारे इसमें फील्ड में हैं और आज जो है हम बूथ पर पिलाएंगे, कल से हमारे जो हैं घर घर जा कर के बच्चे पियेंगे। मॉनिटरिंग टीम लगी हुई है, WHO और UNDP और यूनिसेफ के लोग जो है इसको कंटिन्यूस इस पर निगरानी कर रहे हैं और दवाओं की गुणवत्ता को वैक्सीन को गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा। इसका तापमान जो है 2 से 8 डिग्री के बीच में हमें मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए जितने भी आवश्यक संसाधन हैं वो सब उपलब्ध हैं और जैसे ही बिजली जाती है और जैसे ही टेम्परेचर
का अलार्म बजता है तुरंत तत्काल जो है जनरेटर चला दिया जाता है। हम लोग का प्रयास ये होता है कि जो पब्लिक को आमजन को जो वैक्सीन लगाई जाए वो वैक्सीन गुणवत्तापूर्ण हो और जिससे कि वो बीमारी को सुरक्षित रखने में बच्चों में सफल रहे। और इसी के साथ साथ जो है आज हमारे यहाँ मेले का स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है जिसमें जो है आदरणीय मोदी जी के शुभेच्छु लोग जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और उनके द्वारा जो है मेले में सहयोग किया जा रहा है। हमारे जनपद में सभी जगह मेले प्रारंभ हो गए हैं, जगह जगह उसका उद्घाटन और उसका जो है भव्य कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि शाम तक जो है हम लोग काफ़ी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सकेंगे। धन्यवाद।